वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की बात की जाए तो क्वार्टर वन की अर्निंग यहाँ पे सामने आने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि क्वार्टर वन की अर्निंग के पहले गिराव स्टॉक के अंदर देखने को मिले। पिछले 2-3 दिन में तेजी देखने को मिली थी, पर रिसेंटली फिर से गिराव स्टॉक के अंदर देखने को मिले आज, यानी कि 31.30 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। 1.35 पैसे की गिरावट हो चुके, 4% से ज्यादा गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले अभी तक। यानी कि देख सकते हैं आज ओपन होते ही गैप डाउन से ओपन हुआ, गैप डाउन से ओपन होते ही गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। तकरीबन रिसेंटली देख सकते कि 31 लेवल के ऊपर भी सेटल होता हुआ नजर आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक। मार्केट कैप में गिरावट देखने को मिले, 35,000 के नीचे मार्केट कैप आ चुके हैं, 34,000 की मार्केट कैप बन चुके हैं, और पी रेशियो 8.89 जो कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और डिविडेंड भी बढ़िया दे देता है स्टॉक। पिछले 5 दिनों की मोमेंटम देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में एक अच्छी मोमेंट देखने को नहीं मिली स्टॉक के अंदर। तेजी के बाद फिर से गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। तो देख सकते हैं वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम भी देख सकते 2 करोड़ 93 लाख, टोटल 3 करोड़ तक वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, और ट्रेडेड वैल्यू जो है 9,254 लाख की यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। बाइंग के लिए 47 लाख से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है और सेलिंग के लिए 86 लाख से। तो देख सकते कि डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो क्वांटिटी ट्रेडेड जो है 2 करोड़ 55 लाख में से 1 करोड़ 37 लाख जो है डिलीवरी के लिए यानी कि होल्डिंग के लिए नेक्स्ट डे के लिए चले गए। तकरीबन 53 से 54% क्वांटिटी होल्डिंग के लिए चले गए। पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं आज गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर, करके पिछले 2 दिन तेजी देखने को मिली थी। तो रिसेंटली देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन मंथली रजिस्टर वो यहाँ पे देख सकते 31.20 लेवल जो है सपोर्टिव लेवल रहेगी, क्योंकि पहले भी रजिस्टर लिया गया था फिर सपोर्ट लिए गए थे, तो वहां तक आने के चांसेस है, वहीं पे सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के। तो ये लेटेस्ट अपडेट पीएनबी बैंक स्टॉक के लिए।